यदि पैन कार्ड बनवाने के लिए आपने एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया, या तो खुद से किया है या फिर किसी और पर्सन से आपने करवाया है, लेकिन आपके डिटेल्स में कुछ गलती हो गई है और आपका पैन नंबर भी जनरेट हो गया है, और इस केस में आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्या कुछ प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है एनपीएस, ये ही आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चले जाना है, किसी फर्जी वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। फ्रेंड्स, अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर गया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉग इन विद पैन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन पे ही चले जाना है आपको। अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर गया जाएगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी एंटर करना है। यूजर आईडी बोले तो जो भी आपका 12 डिजिट का पैन नंबर है वो ही आपका यूजर आईडी होता है, वो एंटर करना है। और यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है वो एंटर करना है, और कैप्चा ये वाला एंटर करना है जो कैलकुलेशन वाला है, और चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। देखिए, यदि अभी तक आपने पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन एंटर कर लेते हैं और उसके बाद से सबमिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक लॉगिन हम हो चुके हैं। लॉगिन होने में कोई भी समस्या आ रही है किसी भी तरीके की तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उससे रिलेटेड सोल्यूशन वाली वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद से आप भी सफलतापूर्वक लॉगिन हो पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आधार अपडेट और सीट करने का रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, अगर अपलोड नहीं हुआ है, मिस हो गया तो आप कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन है दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अगर पैन कार्ड में कुछ इशू है फॉर्म 60 में तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, एड एंड अपडेट करने के लिए, एड ही नहीं है या फिर अपडेट करना है उसके लिए है। और यहाँ पे देखने को मिला एड अपडेट नॉमिनी डिटेल्स। डी फ्रेंड्स, नॉमिनी डिटेल्स में कुछ गलती हो गई है तो यहाँ से एड और अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से अपडेट एड्रेस डिटेल्स, अगर आपके एड्रेस में कुछ दिक्कत हो गई है तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है काफी सारे ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे काफी लोग रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर क्या हम ऑनलाइन भी कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप यूज करके आपका जो भी गलत है वो करेक्शन इनमें से कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हालांकि आने वाले वीडियो में मैं इन सभी पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बताया जा सकता। एक ही वीडियो में अगर सारा कुछ कवर करेंगे ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो ज्यादा लोगों को पसंद आती नहीं है। तो हालांकि जैसे कि काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे तो उस पे मैंने यहाँ पे डिटेल्स में मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने का। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।